पराग एक्सप्रेस में हूँ आपकी सब सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ सुकमा से बड़ी खबर मिल रही है, जहाँ नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। दहशत फैलाने के लिए नक्सलियों ने भूसा रास के मिचवार कुकाना मार्ग में कुन्ना के पास सड़क निर्माण में 6 गाड़ियों में आग लगा दी, जिससे 3 डंपर, 2 जेसीबी और 1 पोकलेन मशीन जल गई है। सुकमा एसपी ने मामले की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 पोकलेन, 2 जेसीबी जलकर स्वाहा हो गए। आपको बता दें कि सुकमा में दहशत फैलाने के लिए नक्सलियों ने इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया, और इस घटना के बाद की एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वाहन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। 1 पोकलेन और 2 जेसीबी मशीन को नक्सलियों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। तो सुकमा से बड़ी खबर सामने आई, जहां 2 वाहनों को, यानी 1 जेसीबी, 2 माफी दे 1 पोकलेन और 2 जेसीबी मशीन और 3 डंपरों को नक्सलियों द्वारा आग लगा दी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ सरसवता शिवा यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवा, नक्सलियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, कितना नुकसान इसमें बताया जा रहा है और मौके का मुआयना करने के लिए कौन कौन पहुंचा है? जी, आपको बता दूं, कुकाना थाना क्षेत्र का ये झनिकपुर का रोड था, जिसका निर्माण पे लगे हुए थे, जिसमें 2 जेसीबी, 1 पोकलेन व 3 टिप्पर को नक्सलियों ने देर रात आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कुन्ना गांव में यह रुके हुए थे निर्माण कार्य के पश्चात रात को, तो जहां नक्सलियों की एक बड़ी टीम पहुंची, हथियारबंद नक्सलियों ने वाहनों को आग लगा दिया। पुलिस को खबर मिलते ही सवेरे पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हुई। जी चलो, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सेवा। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी